अरे भाई, इतना प्रशासन क्यों है? क्या हो गया यहाँ पे? फाइव गियर में देख सकते हो 1 0 10 1 1 10 भाई, 110 जा रहा फिफ्थ गियर में। सो हेलो, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। मैं हूँ अर्श और आप देख रहे हैं भाई सभी आर 01 अर्श। तो काफ़ी दिनों बाद आपसे इस टाइप से मिल रहा हूँ। लास्ट वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया KTM जो 200 के वीडियो पे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया आप सभी का। तो अभी देख सकते हो हम यहाँ पे गायघाट साइड है, ये भद्र घाट है, और अभी हम जा रहे हैं KTM के शोरूम में। तो KTM के शोरूम में क्यों जा रहे हैं आप समझ सकते हो, इतना प्यार आप लोगों ने उस वीडियो पे दिया है। तो उसका अब आगे का वीडियो कंप्लीट करते हैं। पहले तो डिटेल, नॉर्मल जो वीडियो था उसका डिटेल्स बता दिया कि क्या क्या है TFT वाले में। अब उसका प्रॉपर राइड वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से उसके बारे में आपको जानकारी देंगे आज हम। सो गाइज, वी आर इन द शोरूम और आप देख सकते हैं हमारे सामने ड्यूक 200 की तीनों कलरें लगी हुई हैं जिसके लिए हम लोग आए थे। अब उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं ये आपको ऑरेंज वाली कलर हो गई यहाँ पे, और इसकी सेकंड कलर हो गई ये सिल्वर मेटालिक हो गई, और एक ये आपको डार्क ग्रे कलर है जिसमें ऑरेंज का भी पैच है, देख सकते हैं। सो गाइज, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बाइक में वो है इसकी TFT डिस्प्ले। तो आइए इसके बारे में सारा बातें कर लेते हैं। तो देख सकते हैं रेडी टू रेस लिखा गया, इसका जो डिस्प्ले है वो चालू हो गया। मेन जो आप देख सकते हैं ये क्रूज़ कंट्रोल जिसकी है वो सेम टू एज इट इज़ आपको 398 जनरेशन 3 वाली आ चुकी है। जो TFT डिस्प्ले है एज इट इज़ 390 जनरेशन 3 में आती है, वही आपको ड्यूक 200 में आ चुकी है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे ऊपर ये है, आपको पार्किंग लाइट आ चुकी है, इसमें लाइट आप देख सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद जो इसकी चारों इंडिकेटर है वो आपको चालू हो जाती है बाइक की, आप देख सकते हो भाई। और गाइज आपको दिखाते हैं बाकी सब फीचर्स। तो देखिए ये आपको कंट्रोलर है, इसको पहले कूलेंट में देखिए, कूलेंट में आपको बताएगा कि कूलेंट का क्या टेम्परेचर है, 30 डिग्री है। फ्यूल रेंज आपको फ्यूल कितना देर आपको चल सकता है, कितने किलोमीटर चलेगी वो बताएगी। बैटरी का बताएगा आपको, 12.6 वोल्ट की बैटरी है। ऑडियो 1 किलोमीटर। सर्विस का जो देख सकते हैं सर्विस में दिखाती है ड्यू इन 999 किलोमीटर, इसको आपको 1000 के अंदर सर्विस करानी रहती है। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया वीडियो में कि क्या क्या इसमें है नहीं है। तो मेन जो फीचर्स था वो आपको बता दिया, बाकी जो फीचर्स है वो सब एज इट इज़ सेम है। तो आप यहाँ तक का वीडियो देख चुके हैं, अब आप यहाँ से आपको इसकी टेस्ट राइड की वीडियो बनाते हैं। इसकी जो पूरी डिटेल्स है आपको इसकी राइडिंग रिव्यू में हम आपको देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम रोड पे आ चुके हैं और इसका अब राइड रिव्यू निकालेंगे। तो अभी आपने सिनेमैटिक देखा होगा इस गाड़ी की, तो चलिए अब हम लोग इसकी रोड रिव्यू निकालते हैं। तो चलो गाड़ी को शुरू करते हैं। रेडी टू रेस आ चुका है, किल स्विच को ऑन करते हैं हम लोग। चलो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी प्यारी आवाज़ें देखो, जैसे कि एक्सीलेटर मैं ले रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ, ये रेड हो जा रही है। चलो तब इसको स्टार्ट करते हैं। गियर जो है काफ़ी स्मूथ हो चुकी है पहले से। पहले थोड़ा सा गियर क्या होता था 200 में कि थोड़ी फंसती थी, लेकिन अब जो गियर इसका शिफ्टिंग काफ़ी अच्छा हो चुका है पहले से। हाँ, इसमें गियर शिफ्टिंग नहीं है, क्विक शिफ्टर जो होता है 390 में आपको मिलती है, 250 में मिलती है, इसमें वो चीज़ नहीं है, लेकिन तब भी बहुत स्मूथ इसका गियर जो शिफ्ट हो रहा है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि हम लोग चला जो रहे हैं उसको भाई, इसका वाइब अलग आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि आप 390 चला रहे हो। इसका जो TFT है ना भाई, बहुत बेटर कर दिया पहले से। पहले तो TFT था ही नहीं, पहले डिस्प्ले जो था नॉर्मल था, आपको मीटर इसका अब काफ़ी प्यारा TFT इसका हो चुका है ना, लगता है ढीला है थोड़ा, ये दाएं बाएं हो रहा है, इसको ठीक कर लेता हूँ साइड करके गाड़ी। तो चलिए ऐना को सही कर लिए हम लोग, मिरर जो था वो ढीला था, थोड़ा लूज था। चलो अब स्टार्ट करते हैं।
देख सकते हो कि फर्स्ट गियर में आपको 44 जा रहा है यार, सेकंड गियर में जो है आपको 59 जा रहा है, थर्ड गियर टेस्ट करते हैं, थर्ड गियर में आपको 78 जा रहा है, फोर्थ गियर में 88 90 लगभग चल जाएगा फोर्थ गियर में। तो पिकअप तो काफ़ी बढ़ चुका है इसका, 91 94 95 90 99 जा रहा है यार फोर्थ गियर में। फाइव गियर में देख सकते हो 110 भाई 110 जा रहा फिफ्थ गियर में, समझ रहे हो ना भाई, गाड़ी की पिकअप जो है तुरंत में एकदम आपको भाई रॉकेट रॉकेट वाला फील ये भी दे रहा है। सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है भाई, सबसे अच्छा चीज़ ये लग रहा है कि जैसे इसका थ्रोटल मैं ले रहा हूँ, ये देखो भाई ब्लैक से रेड हो जा रहा है, यानी कि पावर मूड ऑन हो जा रहा है इसका, इसका मज़ा ही कुछ और आ रहा है। जैसे मैं थ्रोटल हाई करता हूँ भाई ये रेड हो जाता है, थ्रोटल मैंने छोड़ दिया तो अब देखो कि ब्लैक हो गया ये, तो काफ़ी ये अच्छा चीज़ किया है इसमें। एज इट इज़ आपको 390 आप जनरेशन 3 चलाओगे ना तो उसमें भी यही दिया है, सेम TFT लगा दिया है इसमें, और उसमें बस एक ही डिफरेंट है, एक दो डिफरेंट है, कुछ कुछ उसमें ज़्यादा फंक्शन है भाई। ऑलवेज ही भाई वो गाड़ी आप लोग को पटना में लोगे तो 370-380 पड़ जाती है, और ये पटना में इसकी ऑन रोड प्राइस है 240, तो भाई काफ़ी फ़र्क है, 130,000 140,000 की प्राइस डिफरेंट है, वो 390 है 200 है, 200 के हिसाब से तो इसके टक्कर की अभी मार्केट में कोई गाड़ी नहीं भाई, इतनी जो फीचर्स के साथ बस एक ही गाड़ी है वो KTM की ड्यूक 200 है। अभी तो ये गाड़ी न्यू है तो इसका अभी उतना पिकअप नहीं खुला है, आप बाइक परचेज करते हो 700-800 किलोमीटर चला के इसका फर्स्ट सर्विस करवा लो, उसके बाद तो ये बाइक नॉर्मली है कि आपको 125-130 तो आराम से जाएगी, RC लेते हो तो वो 135-130 चल जाती है, एरोडायनेमिक है वो, ये नेक्ड बाइक है तो नेक्ड बाइक के हिसाब से वो ये आपको ये 130 तो आराम से जाएगी भाई, ड्यूक है मजाक नहीं है। हाँ सुना आपने आवाज़ एग्जॉस्ट नोट इसका भाई, अच्छा हमको फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा 390 वाला, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा, पूरा फील नहीं आ रहा 390 वाला। TFT डिस्प्ले मिल चुका है जिसकी वजह से आपको फील होगा कि 390 बाइक चला रहे हो, कोई बंदा देखेगा नया नया तो आपको सोचेगा वो कि ये 390 है, बहुत दिन से इसको अपडेट नहीं मिला था, सब कुछ तो अपडेट कर दिया था 200 में, लेकिन भाई मार खा जाता था ड्यूक 200 जो है वो मीटर को लेके, तो मीटर जो इसका है काफ़ी अच्छा हो गया, इसका डिस्प्ले देख सकते हो कितनी सुंदर है यार, ग्राफिक्स वगैरह पूरा एकदम भर भर के दे दिया है। तो देखो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत लगता है भाई ऐसे ऐसे कंटेंट को बनाने में, भाई को आपके काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ऐसे कंटेंट बनते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते, सुबह से लगे रहते हैं भाई सब चीज़ के लिए। सपोर्ट करो भाई को, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको इस गाड़ी में क्या अच्छी लग रही है, 3 कलर है अभी, कोई भी कलर ले सकते हो, आपको अच्छी लगी तो ले सकते हो। तो चलो अब इसको लेके चलते हैं हम लोग सिटी राइड में, अभी तक तो आपने हाईवे का देख लिया, मरीन ड्राइव पे चला रहे थे तो भाई हाईवे से तो कम नहीं है, अब इसका शहर में जो आप चलाते हैं स्ट्रीट राइड, शहरी क्षेत्र में कैसा चलता है ये गाड़ी अब उसको देख लेते हैं। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है हमको इस गाड़ी चलाने में, फील है ना भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है इस गाड़ी को चलाने में, ऐसा नहीं कि 390 से स्विच अभी क्या मैंने 200 पे तो वो मज़ा नहीं है, मज़ा तो है इसमें, ये नहीं बोल सकते कि मज़ा नहीं। अब चलते हैं थोड़ा भीड़ भाड़ वाले जगह में हम लोग, गड्ढा गुड्डी वाला जगह है ये अपना अशोक राजपथ है, कुछ ज़्यादा ही इसमें गड्ढा गुड्डी होता है, इसमें थोड़ा चला कर दिखाते हैं आपको, जहाँ पे आपको ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़े या क्लच को लेना पड़े वैसे जगह पे अभी हम लोग हैं। फुल कंजेस्टेड भाई, ये आपको पहली ऐसी वीडियो जो यूट्यूब पे फर्स्ट ऐसी वीडियो रहेगी जिसको आवाज़ें नहीं आएगा। ए भाई इतना प्रशासन क्यों है, क्या हो गया यहाँ पे, वो उसके सुरक्षा के लिए, मोची की सुरक्षा के लिए इतना है पुलिस वाले, तो छोड़ो खैर जो हम बात कर रहे थे, अब चलो इस रोड पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है भाई, बहुत चहल पहल हल्ला गुल्ला है। तो ये YouTube पे पहली ऐसी वीडियो है
जो आपको सिटी में चला के गाड़ी को दिखा रहा, नहीं तो जो भी बनाता है भाई हाईवे पे बना के दिखा देता है वीडियो। मेरे चैनल पे थोड़ा लेट से आया वीडियो, लेकिन प्रॉपर आएगा भाई। शहर में जो नॉर्मल गड्ढा गुड्ढी होता है, ब्रेक देखो, ब्रेक बार बार लेना पड़ता है, इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कोई दिक्कत है इस गाड़ी में, गड्ढा गुड्ढी में चलाओ जैसे चलाना चलाओ भाई, काफ़ी बेटर है इसका सस्पेंशन। KTM का तो सस्पेंशन ऐसे भी बेहतर ही होता है, पहले से ही बेहतर है, अब थोड़ा और इम्प्रूव किया है इसका सस्पेंशन। और जो ब्रेकिंग सिस्टम है भाई, वो तो माय गॉड, इससे अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम आपको नहीं मिलेगी, ना आपको यमा में मिलेगी, ना बजाज में मिलेगी, ना होंडा में, ना हीरो में, ना TVS में। तो सिटी राइड के लिए भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। डबल लोडिंग है, सिंगल भी नहीं है, दो बंदे हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत हो रहा है। गड्ढा में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, लग रहा है एकदम मक्खन चल रहा है ये गाड़ी। ये मत समझो कि भाई पैसा लेके तारीफ कर रहे हो, पैसा वैसा नहीं मिलता हम लोग को, ये फ्री वीडियो है, प्रमोशन वीडियो नहीं बनाता भाई आपका, रियल वीडियो बनाता। जो रियल इसमें दिक्कत है वो बताऊँगा, अभी तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं लगा है। ऐसे गाड़ी नया, तो गाड़ी नया में तो दिक्कत नहीं लगता उतना, लेकिन तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं अभी तक दिखा है। एक चीज़ में हमको जो माइनस पॉइंट लगता है इस गाड़ी का, मिरर भाई इतना क्या निकालना है, इतना थोड़ा सा बार बार ये ढीला हो जा रहा है मिरर में, इसके प्रॉब्लम। मैं 390 भी रखा हुआ हूँ, उसमें भी हमको यही मिरर दिया, सेम मिरर उसका है, तो मैंने क्या किया, इस मिरर को हटा ही दिया था। मैं राइट पर जाता तो मैंने आपको इसमें मिरर लगा रखा था 200 का, NS 200 का मैंने मीटर इसमें लगा रखा था 390 में, वो बेटर है इससे भाई। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में, तो आप लोग भी भाई लाइक सपोर्ट किया करो भाई, सब्सक्राइब तो ज़रूर से किया करो। तो चलो अब वापस हम लोग चलते हैं अपने रोड पे। बहुत ज़्यादा भाई देख रहे हो रास्ता कितना ख़राब है, गाड़ी भी गंदा हो जाएगा। देखो गड्ढा गुड्ढे में भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं गाड़ी को, सिटी राइड के लिए भाई परफेक्ट गाड़ी है 390 को। अब थोड़ा सिटी राइड में चलाते तो दिक्कत होता है, गाड़ी काफ़ी पावरफुल है तो गाड़ी बार बार गर्म होता है, और फील आपको होता है कि आप टॉर्चर हो रहे हो उस गाड़ी में बैठ के, वो गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए। सिटी राइड में आप चलते हो, डेली किलोमीटर बाइक चाहिए आपको, आप नौजवान हो, अभी अभी जवान हुए हो, 18-20 साल के लौंडे हो, तो इस गाड़ी को ले सकते हो भाई,